So, yeah, yeah. Hi, my name is Ranbir Kalsi, and इस फिल्म का मैं मेनली हीरो हूँ. और सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि आप लोग ने समय निकाला, वक्त निकाला और यहाँ पर आए. एंड इस फिल्म के बारे में अगर बात करूँ तो सबसे शर्मा जी को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे लायक समझा कि मैं ये किरदार निभा पाऊँगा. इस फिल्म से जुड़े हुए जितने भी बिहाइंड द कैमरा हैं, DOP साहब हो जाएं, सानू भाई, एवरीबडी, सबसे पहले मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिकॉज दिस इज़ अ टीम एफर्ट. और उनके बिना कोई भी फिल्म, इनफैक्ट एक टीम के बिना कोई भी फिल्म वो सक्षम तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी. तो सबसे पहले उनको थैंक यू. अब आते हैं फिल्म के बारे में. तो फिल्म बहुत ही लाइट हार्टेड, इमोशनल रोमांटिक फिल्म है. एंड अगर अपने किरदार को थोड़ा ज़्यादा अगर मैं एब्रीवेट करूँ तो वो एक सिंपल यंग ब्रैश, इनिशियली फर्स्ट हाफ में यंग ब्रैश कॉकी थोड़ा एटीट्यूड है उसमें, क्योंकि एक बिग ट्रेलर से जहाँ तक डायलॉग्स पे भी एक पता चलता है कि बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है. तो किस तरह कुछ सर्कमस्टेंसेस होती हैं उसके ज़िंदगी में, एंड उसको रियलाइज़ होता है कि वो जो कर रहा है वो व्यवहार सही नहीं है, उसको अपना नज़रिया बदलना चाहिए दुनिया के प्रति, और किस तरह उसके अंदर खुद में भी चेंज आती है और किस रीज़न से वो चेंज आती है, कौन है वो इंसान जिसके वजह से उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब ये बचपना, ये जो दूसरों से दुर्व्यवहार है, ये सब बदलना चाहिए. और किस तरीके से हमें एक कैरेक्टर में भी ग्रोथ मिलता है फ्रॉम अ यंग ब्रैशी बॉय टू कमिंग ऑफ अ मैन. हाई एवरी वन, माई नेम इज शामिस. हाई. एंड इस फिल्म में माई रोल इज़, माई कैरेक्टर इज़ आरोही. आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ आरोही, जो जो प्रिंसिपल हैं, जो प्ले कर रहे हैं जो कैरेक्टर मतीन खान सर, उनकी बेटी का रोल है. एंड दिस फिल्म इज़ वेरी स्पेशल क्योंकि we are starting with this movie and we need lot of love and support from each one of you. Taki kaam karna badi baat hoti hai lekin us kaam ko platform milna sabse badi baat hoti hai. So this film I think is a platform for everyone jo kaam karna chahte hain industry mein. So Arohi bahut hi simple girl hai, very bahut simple, bahut zyada hi simple ladki hai, extremely girl next door. And chuki she uski mummy nahi hai, she has lost her mother at a very young age, so uski bonding jo uske father se hai bas wahi connection hai uski life mein. Uske papa ke bina aur koi bhi nahi hai, she doesn't have any friends, na hi uske college mein uski koi social life nahi hai, only coming to college and going home, taking care of her father, that's it. To uske baad उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो आपको मूवी में बाद में पता चलेगा. सो उसकी लाइफ में एंट्री होती है रणबीर की, जो आर्यन, आर्यन की, माय कैरेक्टर्स नेम इज सॉरी सॉरी या. सो हाउ अ लाइफ चेंजेस, जिसको उसकी लाइफ जो बहुत ही बोरिंग नहीं कह सकते बट बहुत ही सिंपल लाइफ थी. शी उसे प्यार का एहसास होता है, उसके लाइफ में कुछ न्यू होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो दिस इज़ द जर्नी ऑफ हर कैरेक्टर. And I'm very happy I played a part. And Sharma ji, he's the captain of the ship, he's everything to this. This project is like his baby, unka bachcha jaisa hai, jo shuru se end tak hi unhone hi sambhala, unhone isko is ye platform diya hai. So he's everything to the movie. Of course everyone has supported him in this, but the way he has taken care of everything, the artist, he's very very hard working. So I want to say thank you to him as well for choosing me to play our role. Thank you so much. Hello, namaste, mera naam Alena Tuteja aur main jis character ko nibha rahi hu uska naam hai Rita. Rita jo hai ek jaise Aryan is bade baap ka bigra hua beta, wo bhi bade baap ki bigri hui beti, एकदम फुल एटीट्यूड, बोल्ड, मतलब ऐसी जो मॉडर्न लड़कियां नहीं होती आजकल उसी टाइप की. बट शी इज़ मैडली इन लव विद हर बॉयफ्रेंड आर्यन. तो जब आर्यन की लाइफ में कोई और लड़की आती है वो कैसी बिहेव करती है, उसका कैरेक्टर का क्या हो जाता है, वो एकदम चेंज होती है, वो आप मूवी में देख सकते हो. और फिर उसकी भी जो नहीं ऐसे ख़त्म नहीं होती, उसका भी जो कैरेक्टर है वो भी डेवलप हो रहा है, और लास्ट में अब बिल्कुल दूसरी रीता को आपको देखने को मिलेगा.
आरन आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कॉलेज में सब जाते हैं पढ़ाई वढ़ाई करने, आपने प्रिंसिपल की लड़की पे हाथ मार दिया। देखिए करना है तो फिर बड़ा काम ही करो, छोटे काम से क्या फ़ायदा फिर। और पर ऐसा सोच के तो नहीं किया था आर्यन ने कि प्रिंसिपल की लड़की को ही पटाएंगे, प्यार किया नहीं जाता, वो हो जाता है, और इस कैरेक्टर को उस कैरेक्टर से हो गया प्यार। या देखिए पर्सनली मेरा वैलेंटाइन के ऊपर थोड़ा सा कुछ अलग थॉट है कि अगर एक ही दिन आप इंसान को कुछ ज़्यादा प्यार करोगे तो फिर बाकी 364 दिन आप लायक नहीं उस इंसान के लिए, तो आपको हर दिन प्यार करना चाहिए। और उसी तरह ये फिल्म भी है, ये कभी भी आए वो जो मैसेज है वो जो प्यार है वो बांटना चाहिए लोगों में। आपका दिल क्या कहता है, लाइक टू एवरीवन? मेरे क्या कहता है मेरा दिल मेरा दिल क्या कहता है आप पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं, मैं बताऊँगा आपको क्या कहता रिगार्डिंग द फिल्म। देखिए कोई भी फिल्म आती है तो कोई भी आर्टिस्ट होते हैं, जो भी टेक्नीशियंस जुड़े होते हैं, वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो पिक्चर कुछ अच्छा नाम करे और खुद का भी नाम हो। एक एक्टर का भी एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ द टैलेंट, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड रिगार्डिंग आपका क्या दिल कहता है, क्या कहता है? नहीं आप ये जानना चाहेंगे कि शर्मा जी की लग गई, इसके पहले कल पाई थी शर्मा जी की लग गई, शर्मा जी की बची है? नहीं नहीं, आई थिंक डेफिनेटली ये फिल्म चांसेस है कि उनकी की बचा लेगी, उनकी नहीं लगी, शर्मा जी ने लगने नहीं दी अपनी, लगने नहीं दी विद दिस फिल्म। हां ही हैज डेफिनेटली एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर। कितना एंजॉय किया आपने अपने किरदार में? द होल फिल्म वॉज एक्चुअली बहुत ही अच्छा, एक बॉन्डिंग बन गया सबसे, हमारी यूनिट बहुत ही ज़्यादा बहुत ही लिमिटेड क्रू के साथ हम एक मूवी बना रहे थे, तो हमारी बॉन्डिंग आपस में बहुत ही अच्छी हो गई, एक फैमिली, मतलब इट वॉज नॉट लाइक अ प्रोफेशनल वर्क गोइंग ऑन, इट वॉज लाइक अ फैमिली फैमिली, एवरी वन वॉज सपोर्टिंग ईच अदर इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो ये मूवी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारी, हमने बहुत ही हंसी मजाक हंसते खेलते शूट किया, सो इट इज बहुत ही जॉयफुल एक्सपीरियंस है। सो बेसिकली बचपन से क्रेज है बॉलीवुड का, मैंने हिंदी भी साथ लोन स्टार्ट करना शुरू किया रशिया में रह के, तो ऑब्वियसली मेरे लिए तो ये सपना था, मेरा जो फेवरेट रहा मिथुन दा, तो वो बचपन से मेरा एक फर्स्ट लव था, तो वो उनकी मूवीज़ देख के मेरा ये सपना था कि कभी मैं उनके साथ पर्दे में नाचूं। ऑब्वियसली अब तो उनकी एज नहीं रही कि मैं उनके साथ पर्दे में नाचूं, बट मैं फाइनली यहाँ पे रणवीर के साथ नाच रही हूँ पर्दे में, सो इट्स अ बिग ड्रीम व्हिच इज कमिंग ट्रू। मतलब ये हम लोग को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरीके से ये बाहर देश से आके यहाँ पर इतनी साफ, यहाँ के लोग भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते जितने हिंदी, जितनी साफ हिंदी ये बोल रही हैं, तो सो हम लोग को, इनफैक्ट मैं जब पहली बार इनसे मिला, जब ये आ रही थी मेरी तरफ, तो मैं अंग्रेज़ी में बात करने की कोशिश, तो मैंने कोशिश की क्योंकि ऑब्वियस लुक तो वही होगा ना कि हाय एलिना हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ तुम बताओ कैसे हो, मैं अच्छे से ही है फिर, ये तो बहुत अच्छी हिंदी है इनकी, तो वी शुड अप्रिशिएट दैट, एंड एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो शी इज़ वेरी गुड, बोथ द आर्टिस्ट। देखिए फिल्म तो एक लव स्टोरी है और एक पारिवारिक फिल्म है, और बाकी दर्शक बताएंगे उनके कैसी लगी, और 28 फरवरी को रिलीज हो रही है, और बस इतना ही बोल सकता हूँ और क्या कहूँ। देखिए खास बात तो फिल्म देखने के बाद ही, साइलेंस प्लीज। देखिए हर फिल्म में कुछ ना कुछ खास बातें होती हैं, वो आपको मूवी देखने के बाद ही पता लगेगा, ऐसे मैं क्या बता दूँ, बाकी लव स्टोरी है, कॉमेडी, एक फैमिली मूवी है। ये इलाहाबाद और नैनीताल शूट किया गया। थोड़ी बहुत दिक्कत है ऐसा, देखिए स्टार कास्ट नए हो लेकिन अच्छे हो तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर एक्सपीरियंस लोग हैं, अच्छे आर्टिस्ट हैं, भले नए हो तो फिर दिक्कत नहीं होती शूट करने में। बिल्कुल बिल्कुल, भाई नए लोग भी टैलेंटेड होते हैं ऐसा नहीं है,
और हम लोग उनको चांस नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तभी तो कोई आदमी चांस देगा, तभी वो आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नए लोगों में एक तो उत्साह होता है आगे बढ़ने का, कोऑपरेटिव रहते हैं, वो सब चीज़ें भी देखी जाती है ना। अब जितना प्रोड्यूसर का हिसाब किताब होता है, प्रोड्यूस करने का जो है, वो सब चीज़ें तो पैसे से ही होती हैं। अब हर किसी प्रोड्यूसर के पास में करोड़ों रुपए का जो है बजट तो रहता नहीं है, तो हर प्रोड्यूसर जो है वो अपने हिसाब से जो है वो कास्टिंग करता है और उस हिसाब से ही फिल्म भी बनाता है। मैं एक ये फैमिली ड्रामा मान लीजिए आप, एक फैमिली ड्रामा है, कॉमेडी है, एक मनोरंजन। हाँ हाँ, क्या क्या जानना चाह रहे हैं? सारे लोग बहुत अच्छे थे, और क्या है, हम लोग एक फैमिली मेंबर की तरह हम लोगों ने काम किया। किसी को लगा ही नहीं कौन इसमें स्टार है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन डायरेक्टर है। एक फैमिली की तरह हम लोगों ने काम किया और ये मूवी बनी। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म तो अभी 28 को रिलीज़ हो रही है, 28 फरवरी को, और पैसे आने होंगे। नहीं नहीं, 28 को रिलीज़ होगी और पैसे आने होंगे तो भाई बाद में आएंगे ना, अभी तो रिलीज होने दीजिए। हाँ, पैसे खर्च होते हैं, देखिए बनाने में भी पैसे लगते हैं और रिलीजिंग में भी लगता है। हाँ पैसे लगते हैं, थिएटर हायर करने पड़ते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ जैसे भी लेना पड़ता है। मतलब आप भी पैसे खर्च करना है, बिना पैसे के तो कहीं कोई काम नहीं होता। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, जो कुछ हमने देखा बहुत मजा आया, खास करके जो बंगाली कैरेक्टर है। जी जी, उसके बारे में पूछा। देखिए इस फिल्म में मैं एक प्रिंसिपल की भूमिका में हूँ, बट उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि मैं एक लड़की का पिता हूँ जो अपनी बेटी को लेकर बड़ा ही पजेसिव है और बेनतिया मोहब्बत करता है। तो कॉलेज में यहाँ तक लोग कहते हैं उसके बारे में कि ये प्रिंसिपल अपनी बेटी के अंदर अपनी बीबी को देखता है, ये कमेंट्स भी देते हैं। बट इनसाइड जब वो अपने घर पे आता है तो अपनी बेटी को फूल की तरह रखता है और बेनतिया प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कोई इसके साथ गलत हो या कोई इसको गलत दिशा में ले जाए। तो वो रियलिटी धीरे धीरे ऑडियंस को बाद में पता चलेगी कि जो प्रिंसिपल को इतना झक्की समझा जा रहा है, बदतमीज समझा जा रहा है, वो दरअसल बड़ा ही इमोशनल पिता है इस फिल्म में। और वो मेरा शेर था, और ये मेरे लिए चैलेंज इसलिए भी थी कि मैं ज़्यादातर टाइम में पुलिस का रोल किया। एक फिल्म आई थी गट्टू में, उसमें साइंस टीचर था। बाद में जो राकेश श्रीवास्तव जी अभी आपके सामने आए थे, इनकी फिल्म आई थी अब हर दायरा टूटेगा, इसी जगह पे उन्होंने लॉन्च किया था, तो उसमें मैं विलेन का रोल किया था, अफरोज खान का। तो अचानक उस करेक्टर से उठ के मैं प्रिंसिपल का करेक्टर करने लगा। तो कहाँ एक तरफ मैं डॉन बना था और कहाँ एक तरफ मैंने पिता की भूमिका निभाई, थोड़ी सी चैलेंजिंग थी। मैं अपने आप को हमेशा समझता हूँ बड़ा यंग हूँ, एज तो हो ही चुका है, बट उस फील को लाने में कि हमारी बेटी का रोल श्रावणी कर रही थी, एलिना थी, तो इसको मैंने निभाया। और ये मेरे बचपन में जिस माहौल में पला था उसका फ़ायदा मुझे मिला, लैंग्वेज, ये चीज़ें। आज के मंजर पे ये शेर है फिल्म से हटके कि तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है। तेरी इस दुनिया में मंजर क्यों है, कहीं जख्म तो कहीं पीठ में खंजर क्यों है, और सुना है कि तू हर जर्रे में है रहता तो फिर जमीन पे कहीं मस्जिद तो कहीं मंदिर क्यों है। और जब रहने वाले तेरे ही बंदे हैं तो फिर कोई किसी का दोस्त कोई दुश्मन क्यों है, और जब तू ही लिखता है सब लोगों का मुकद्दर तो फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है। खुदा चलिए।